Hello student, good morning. Welcome back after semester 1. So today we are going to start our semester 2's first lesson, chapter number 8, jiska naam hai tens and ones. Chapter ka naam hai tens and ones. For example, इसमें क्या हम सीखेंगे कि you know the number ना, आपने 100 1 से लेके 100 तक के number, 200 तक के number, 500 तक के numbers आपने सीखे हैं ना first second में. अब for example कि ये है number charts. ओके, सारे नंबर्स तो इसमें नहीं है, 1 से लेके 50 तक के नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 1 to 9 नंबर जो है वो 1-1 डिजिट के नंबर हैं. आई रिपीट, 1 से लेके जो ये 9 तक के नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये 1 डिजिट के नंबर हैं. अब यू कैन सी 1, 0, 10 यहाँ पे डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि 1, 0, 10 टू डिजिट के नंबर आ गए. 10 आफ्टरवर्ड 11 नंबर जो है 1 and 1 अगेन टू डिजिट 12, सो यू नो द नंबर ना. बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस, मतलब कि हर एक चीज की, हर एक पर्सन की भी एक हम प्लेस डिसाइड करते हैं ना. फॉर एग्जांपल आप जब क्लासरूम में होते हो सो यू आर गोइंग टू आस्क यू मैम ना कि मैम आज हमें कौन सी बेंच पे बैठना है, आज हमें कौन सी प्लेस पे बैठना है. सो मैम विल टेल यू ना कि टुडे यू विल सिट एट फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच. तो ये क्या हो गई, आपकी एक प्लेस डिसाइड हो गई. ऐसे ही नंबर्स की भी प्लेस होती है, वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस. फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये 1-1 नंबर ही है, ये अकेले नंबर ही है, सो इसको हम बोलेंगे वंस. ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी ये 2 नंबर हो गए, 2 डिजिट के नंबर हो गए. सो लास्ट वाला जो है, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट साइड पे है, राइट साइड पे, दैट इज वंस, क्योंकि वो पीछे है, अकेला है, तो उसको बोलेंगे वंस. और ये जो आगे है दैट इज टेंस, इसकी प्लेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, वंस एंड टेंस. आगे हम और डिटेल में समझते हैं. ओके, सो चैप्टर का नाम है एज यू नो टेंस एंड वंस. सेमेस्टर 2 का हम फर्स्ट लेसन यहां से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताई गई है. एक छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी एक लड़की है ना. अब वो कैसे एकदम शातिर दिमाग की है, तो वो क्या करती है, अपने होमवर्क, उसको जो टीचर्स ने होमवर्क दिया है ना, तो वो अपना होमवर्क जो ना ये अंकल की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे. कैसे, आइए देखते हैं. अंकल आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज. अब उसने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज, 18 रुपीज है मेरे पास, उसमें से मुझे पेंसिल लेनी है. आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन. अब फिर से यहाँ पे वो क्या बोल रही है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज की एक नोट है, उसके पास, ये गुड़िया के पास एक 10 रुपीज की नोट है और 1 रुपी का कॉइन है, मतलब कि एक 1 रुपी का कॉइन है. अब यहाँ पे उसने बोला है कि आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स, आई हैव जस्ट 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपीज कॉइन. अब 10 + 1 11 हो गए है ना, सो 11 रुपीज हो गए. बट हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू. तो यहाँ पे उसने बोला है कि मुझे 18 रुपीज की पेंसिल लेनी है, बट उसके पास 10 और 1 11 ही है, तो ये तो 18 रुपीज तो हुए नहीं है ना. सो यहाँ पे उसके अंकल हेल्प करते हैं. कैसी हेल्प करते हैं, 18 रुपीज मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज. अब यहाँ पे ना अंकल को लग रहा है कि ये छोटी सी गुड़िया है, तो उसको समझ में नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे शॉप पे जाते हो या कोई मॉल शॉप या वहाँ पे जाते हो, सो मम्मा डैडी आपको समझाते हैं ना कि ऐसे हम जो है वो पैसों के लेन देन करते हैं. आप अपनी मम्मी से भी पूछते हो ना कि इतने रुपीज़ में क्या आएगा ये वगैरह, तो मम्मा विल हेल्प यू. ऐसे ही अंकल भी है जो इसकी गुड़िया की, छोटी सी बच्ची की हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं कि फॉर 18 रुपीज़, अगर आपको 18 रुपीज़ बनाने हैं, सो 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, मतलब कि आपको एक नोट चाहिए होगी 10 रुपीज़ की. देन 8 1 रुपी कॉइन, अब कॉइन से तो वो 8 चाहिए, 1 1 रुपीज़ के, ऐसे कितने कॉइन्स उसको चाहिए, 8. हाँ, तब जाके 10 + 8. अब आपने प्लस के सम्स तो सीखे ही हैं, सो आप एग्जांपल प्लस करोगे तो भी 10 + 8 या फिर 10 के आफ्टर 8 जो है वो 18 होंगे. सो फॉर 18 रुपीज मीन्स 1 नोट ऑफ 10 एंड 8 1 रुपी कॉइन, मतलब कि 8 कॉइन्स और 1 10 रुपीज़ की इसको नोट चाहिए. सो यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया जो है वो इतने कलेक्ट करती है मनी और फिर वो उसको काउंट करती है. तो यू कैन सी ना, ये 10 रुपीज़ के एक 1 नोट हो गई और कॉइन्स कितने हैं, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो 10 + 8
ये हो गए 18। अब आपको ये समझना है कि 10 प्लस 8 मीन्स 18। सो ये हो गए 10 और ये हो गए 1, मतलब कि जो अगर आप इसको नंबर्स में भी देखोगे ना, ये तो मुझे आप यहाँ पे 18 नंबर देखो। अगर हम सिर्फ बात करते हैं 8 की, तो 8 जो है वो 1 से, मतलब कि अकेला ही नंबर है। सो जो 1 डिजिट के हैं दैट इज 1s की, वो 1s की प्लेस पे है। और जो 2 डिजिट के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 एंड 8, तो जो एज यू नो कि जो लास्ट वाला है वो 1s की प्लेस पे है और यहाँ पे 10। ओके, तो इसको बोलेंगे 1s का और इसको बोलेंगे 10s की प्लेस का। सो 8 की प्लेस पे है, 1s की प्लेस पे है 8 और 10s की प्लेस पे है 10। सो 10 प्लस 8 18, ऐसे ही बनते हैं ना नंबर, 10 प्लस 8 18। सो यहाँ पे भी ऐसे ही बने ये 10, मतलब कि 10s की प्लेस पे है 1 और ये 8 कॉइंस जो है वहां पे 1 और 8 नंबर बनते हैं 18। नाउ हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइंस डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज। अब यहाँ पे वो दूसरा क्वेश्चन पूछती है, ये छोटी सी गुड़िया जो है वो अंकल को फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछती है। वो क्वेश्चन क्या है कि 35 रुपीज बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 35 रुपीज बनाने के लिए मुझे जो है कितने कॉइन्स और कितने नोट्स चाहिए। तो फिर से अंकल बोलते हैं, उसको समझाते हैं और उसको सिखाते भी हैं कि सो यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। अगर आपके पास 1 के कॉइन है तो वो 5 कॉइन्स चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 कॉइन्स आप जब मिलाओगे तब जाके 5 बनेंगे। और नोट्स कितने हैं, 30 मीन्स 3। सो 3 नोट्स ऑफ 10 10 रुपीज। तो ऐसे ही आपको 10 रुपीज की 3 नोट्स चाहिए, 10 10 एंड 10, मतलब 10 20 एंड 30। और कॉइन्स कितने चाहिए, अगर हमें 5 बनाने हैं 30 एंड 5, तो 5 हमें कॉइन्स चाहिए। सो यहाँ पे ओके अंकल, इफ फिर अभी ये जो है, ये अंकल समझ गए, अभी ये तो क्वेश्चन पूछते ही जा रही है, पूछते ही जा रही है, जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट। तो अब यहाँ पे अंकल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, हे अभी मुझे इतने सारे क्वेश्चन आप मत पूछो, सिर्फ इतना बताओ कि आपको पेंसिल कितनी चाहिए। सो यहाँ पे ये भाग जाती है छोटी सी गुड़िया और क्या बोलती है, नन थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। अब वहाँ पे वो भाग के क्या बोलती है, नन, मतलब कि एक भी नहीं, बट ऐसे करके जो है आपने मुझे होमवर्क कराने में मेरी मदद कर दी। इन शॉर्ट की उसको ये होमवर्क जो है वो उनके टीचर ने दिया होगा, बट इसके लिए वो अंकल की हेल्प ले ली है, तो उसका होमवर्क ऐसे ही कंप्लीट हो गया कि कितने नोट्स और कितने कौन से अमाउंट जो है, कौन से डिजिट जो है वो बनती है। अब यहाँ पे ये जो सारे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो है बुक्स के, बोतल के, स्केच कलर के, क्रेयन कलर के, सो यहाँ पे एक अमाउंट लिखी गई है। एज यू नो इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ये जो है पेज नंबर सेकंड पेज पे, ये चैप्टर के सेकंड पेज पे है ये एक्सरसाइज, सो यू कैन सी। अब इसमें पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके साथ उसकी अमाउंट है। अब ये अमाउंट क्यों है, क्यों ऐसा नहीं होता कि हम कहीं से भी जाके कुछ भी ऐसे ही ले सकते हैं, नहीं ना, इस चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, मनी मीन्स हमारी करंसी जो है, जिसको बोलते हैं रुपीज। ऐसा नहीं होता ना कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं ऐसे ही लेके आऊँ। सेम चीज़ आप भी ऐसे ही करोगे, अगर आपको चॉकलेट्स, नूडल्स, मैगी ये सब नहीं खाना चाहिए बट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सो कभी कभी आप मम्मा के पास जिद करते हो ना कि मुझे ये लेना है लेना है, सो मम्मा क्या करेगी, सबसे पहले ऐसे ही नहीं बोलेगी ना कि जाओ जाके शॉप पे से ले जाओ, नहीं, उसके लिए रिगार्डिंग आपको पैसे चाहिए, करेंसी चाहिए, मनी चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं मनी की। सो आपके मम्मी पापा को आज आप घर पे पूछना कि बहुत सारी करेंसी, मतलब कि नोट्स और कॉइन्स होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती है, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में करेंसी है जिसको हम रूपी बोलते हैं। ओके, हमारी करेंसी को हम रूपी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मनी भी बोल सकते हो बट उसका करेंसी का जो हम पर्टिकुलर एक नाम से बोलते हैं वो है रूपी। मतलब कि अगर कोई भी चीज़, सामान, कोई भी आपको लेन देन करनी है, किसी भी चीज़ की लेनी है, तो आपको उसके लिए मनी चाहिए होगी, करेंसी चाहिए, जिसको आप बोलोगे इंडियन करेंसी है रूपी। हाँ, और करेंसी जो है वो 2 टाइप्स में आती है, नोट्स में जो अलग अलग टाइप्स की नोट्स आती है वो, और एक तो है कॉइन्स, मतलब कि बहुत सारे कॉइन्स भी होते हैं, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के कॉइन्स भी होते हैं, और ऐसे अलग अलग 10 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 100 की, 500 की, और लास्ट जो है 2000 की नोट्स होती है, लाइक वो भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, वो भी करेंसी है हमारे पास, एज यू कैन सी ये। ओके, सो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये है जो अमाउंट इसमें लिखी होती है, ये नोट्स है, 20, 50, 100,
500, 2000, ये 2000 की करेंसी है, हाईएस्ट करेंसी इन नोट्स, ओके। और ये जो है कॉइन्स है, कॉइन्स भी है वो मनी ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स को ही आप मनी या पैसों रुपीज में कन्वर्ट करोगे, नहीं, ये कॉइन्स भी है वो भी हमें इतने ही काम आते हैं जितनी कि हमें नोट्स आती है, सिर्फ इसकी वैल्यूज जो है वो कम होती है, क्योंकि ये है इसमें सबसे पहला पिक्चर है 25 पैसा और 50 पैसा जो अभी के करंट इसमें नहीं है, मतलब करंट हम यूज के लिए नहीं लेते हैं, बट यू कैन सी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज, मतलब कि आपको ऐसे कॉइन्स जो है ना जिसमें लिखा हुआ होता है कि 2 मीन्स ये 2 रुपीज का कॉइन है, अब ये है 5 मीन्स ये 5 रुपीज का कॉइन है, यहाँ पे है 1, एक थंब टाइप का आपका मम्मी को आज बोलना कि मम्मी ऐसे मुझे कॉइन्स बताओ, क्योंकि अभी आप घर पे हो ना तो मैम ऐसे आपको वीडियोस थ्रू समझा सकते हैं बट आपको घर पे नहीं बता सकते, तो आप मम्मी की हेल्प लेना, मम्मी पापा को बोलना कि आपको ऐसे बहुत सारे कॉइन्स और नोट्स दिखाए, ओके। सो 10 रुपीज का भी कॉइन्स है और नोट्स है, तो ये अलग अलग जो नोट्स और कॉइन्स है उसका हम यूज़ क्या करते हैं कि या तो हमें कोई एक जगह से कोई पर्टिकुलर शॉप से या कोई दुकान से कोई चीज़ लेनी है, कोई सामान लेना है, कोई सामान खरीदना है, तो हम मनी देते हैं, करेंसी रुपीज देते हैं उनको, तो तब जाके वो हमें कुछ सामान देते हैं, ओके। आप मम्मी पापा के साथ जाते हो ना बाजार, तो ऐसे ही कोई भी हमें कोई चीज़ नहीं दे सकते, उसके लिए पापा मम्मी जो है बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तब जाके आपके घर में जो है सामान या फिर खाने पीने की चीज़ आती है, कपड़े भी जो है वो पैसों से आप खरीद सकते हो, ओके। सो नाउ बैक टू दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे भी ऐसी ही एक्सरसाइज आपको दी गई है, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वो जो अंकल थे ना आगे वाले जिन्होंने हेल्प की थी उस छोटी सी गुड़िया की, उसकी हेल्प के बिना आपको यहाँ पे जो है वो नोट्स ड्रॉ करनी है, अब कैसे नोट्स ड्रॉ करनी है, रुपीज 20 है तो ये जो बुक्स की है उसमें प्राइस है, मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें MRP लिखी होती है या तो फिर एक टैग लिखा होता है, तो यहाँ पे एक टैग है कि रुपीज 20, सो 20 रुपीज़ बनाने के लिए आपको कितने नोट चाहिए, सो यहाँ पे जो है वंस और ये टेंस, तो वंस मतलब कि पीछे तो जीरो है, मतलब कि लूज मनी एक भी नहीं, और 20, सो आप कितने नोट्स यूज करोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बुक में नोट्स जो है वो कैसे ड्रो द 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स, अब यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ की ऐसे तो पर्टिकुलर नोट्स आती है बट यहाँ पे आपको ड्रॉइंग करना है पर्टिकुलर 10 रुपीज़ की नोट, सो ऐसी 10 रुपीज़ की नोट्स जो है आपको 2 नोट्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 10 रुपीज़ की नोट्स आप इसमें रेक्टेंगल शेप का यूज करोगे। नाउ ये है 32, आई रिपीट 32, तो यहाँ पे है ये, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई वंस और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई टेंस, तो वंस की प्लेस में मतलब कि लूज कॉइन, वंस जो है वहाँ पे आप कॉइन्स यूज करोगे तो 1-1 रुपी का कॉइन यूज करना है, सो 1-1 रुपीज में आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ओके। सो तो ऐसे 1-1 रुपीज से आपको 2 कॉइन्स ड्रॉ करने हैं, तो ये 2 तो हमारे बन गए, अब बचे कितने, 3 मीन्स 30, ओके 32, तो 3 नोट्स आपको ड्रॉ करने हैं 10-10 रुपीज की, ओके। और इसके जरिए आपको क्या पता चलता है कि अगर आपको कोई भी सामान आपको खरीदना है कोई भी शॉप में से, तो आप विदाउट जो है मनी नहीं खरीद पाओगे, ओके, चाहे वो आपके कितने ही जान पहचान के क्यों ना हो, मनी तो सबको बदले में चाहिए ही चाहिए, ओके। सो ऐसी एक्सरसाइज आपको अपने टेक्स्ट बुक में ऑन योर ओन करनी है, एक रेक्टेंगल शेप से आपको नोट ड्रॉ करना है और ये जो है कॉइन्स के लिए आप राउंड शेप का यूज करोगे, कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं बताऊंगी, ओके। नाउ हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स में, अब यहाँ पे इसकी काउंटिंग करनी है, ओके। सो 10, 10, 10, यू नो द एडिशन ना, अगर आपके पास मैं आपको एक, आपको आज मम्मी एक नोट देगी, ठीक है, उसके बाद आपको और एक देगी, फिर उसके बाद आपको मम्मी ना और एक नोट्स दे देगी, तो आप इतने सारे रुपीज, मतलब आपको ये पता है कि ये 3 नोट है, पर 3 नोट मतलब कि कितने हो गए अमाउंट कितने हो गए, क्या आप ऐसे ही जाके शॉप वाले को ऐसे ही दे दोगे, नहीं ना, आपको उसके लिए काउंटिंग आनी चाहिए, आपके पास मनी जो है मतलब कि आपके पास रुपीज जो है वो कितने हैं, तो वो कैसे करोगे जब आपको ये काउंटिंग आती होगी तब, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको ये पिक्चर्स दिए गए हैं जिसकी काउंटिंग आपको करनी है, आप ये सेम एक्सरसाइज अपने मम्मी पापा की हेल्प से भी करोगे, ओके, बट यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में कैसे करनी है आई शो यू। 10, 10, 10 मीन्स 10 की एक नोट, अब एक नोट तो हो गई, फिर दूसरी मतलब कि 20 और ये थर्ड वन मतलब कि 30, तो रुपीज 30, अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल आपको बताया गया है, दूसरा आपको खुद से करना है, तो ये 10 और 10 मतलब कि 2 नोट हो गई, तो 10, 10 मतलब कि 10 प्लस 10, 20, और ये जो है 1, 2, 3, 1-1 रुपीज़ के नोट कॉइन्स हैं, सो 10 एंड 10 मतलब कि
20 और ये 1 2 3, तो 23। ओके, ऐसे ही आपको अब यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स भी आपको काउंट करने हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन्स जो है ये टोटल कितने हैं, 10 रुपीज़। तो ऐसे करके ये आपको एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो आपको काउंट करनी है और लिखनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट्स और कॉइन्स को आपको दोनों को कंबाइंड जो है वो काउंट करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि नोट्स का आपने अलग लिख दिया और कॉइन्स का अलग लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। 10 20 30 40, अब ये 40 बन गए, पर सिर्फ 40 नहीं है, इसके आगे कॉइन्स को भी कनेक्ट करना है, ज्वाइंट करना है। 1 2 3 4 5, तो 40 और 5। ओके, ये कौन सा अमाउंट बना, 40 एंड 5, तो आपको यहाँ पे लिखना है 45। सो ये आपको एक्सरसाइज खुद से ही करनी है। नाउ यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी गई है जिस एक्सरसाइज का नाम है ब्रेकअप, ब्रेकअप द नंबर। मतलब कि नंबर्स को ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना है आपको नंबर्स को। कैसे तोड़ोगे? ओके, ये भी एक कन्वर्सेशन है, हम चलो इसको समझते हैं। I will say a number, guess the breakup. I will say a number, guess the breakup. मतलब कि मैं आपको एक नंबर बोलूंगी और उसको आपको गैस करना है कि उसका ब्रेकअप क्या बनेगा, नंबर तोड़ के वो कौन सा नंबर बनेगा। ओके, यू से इट, आई डू इट। अब यहाँ पे भी आप ही की तरह एक छोटी से छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे बोलता है ओके चलो मैं बता देता हूँ, आप मुझे सिर्फ नंबर बताओ। यहाँ पे वो बोलता है 64। ध्यान से सुनिएगा मैं नंबर कैसे बोल रही हूँ, 64। तो यहाँ पे ये नंबर कैसे बनेगा, 60 प्लस 4। जैसा कि मैंने बोला 60, तो 60 आपको पता ही है, 60 नंबर कैसे बनेगा, 60 प्लस 4 जो है वो देख करके यहाँ पे लिखा है, तो 60 प्लस 4, तो यहाँ पे जो 64 जो है वो नंबर कैसे बनेगा, 60 में हम 4 ऐड करेंगे, मतलब कि 60 की 10 के हम 6 नोट लेंगे और 4 कॉइन्स जो है हम ऐसे ही लेंगे, तब जाके ये 60 प्लस 4 जो है 64 बनेंगे। आपको नंबर्स तो आते हैं ना, ये ऐसे नंबर। हाँ, तो इसमें भी हमने क्या सीखा था कि पहले 1 से लेके 10 तक के नंबर आपने जब LKG UKG में थे, फर्स्ट सेकंड में, तो ऐसे ही नंबर बढ़ते गए ना, पर नंबर बढ़ने का मतलब वो नंबर उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं। मतलब 11, तो ये मतलब कि 1 और 1 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, है ना, 12 नंबर। तो इसमें ये 101 का मतलब यहाँ पे 1 क्या शो करता है, 10, और ये 2 मीन्स अकेला ही है, तो ये 1s की प्लेस पे है, ये 10s की प्लेस पे है। लास्ट वाला जो है वो 1s बोलेंगे, ये वाला है वो हम 10s करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये नंबर है वो हमें नंबर ब्रेकअप करके करना है। ओके, सो नाउ अगेन यहाँ पे ये है दूसरा नंबर, ये बोल रहे हैं 25। सो 20 प्लस 5, यहाँ पे ये फटाफट से दूसरा नंबर भी बोल रहे हैं 25, तो यहाँ पे है 20 प्लस 5। वॉट अबाउट 12, हाउ विल यू डू डेट, आप अगर यहाँ पे वो दूसरा वॉट अबाउट 12, आप 12 को कैसे बोलोगे। सो सी फॉर मी 64 एंड 25, द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप। मतलब कि 64 और ये 25 है, तो 64 25, तो ये नंबर आप बोलने से भी समझ जाओगे कि इसका ब्रेकअप जो है वो कैसे होगा। पर वॉट अबाउट 12, अब यहाँ पे ये उसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि अब वॉट अबाउट 12, 12 में क्या करोगे, 12 में तो ऐसे कोई भी हिंट वाले नंबर, उसका नंबर वर्ड भी, नंबर नेम भी नहीं है। तो बोलेगा 12 को आप कैसे ब्रेक करोगे, सो फॉर देट आपको उसके लिए ही है जो है 1s की प्लेस और 10s की प्लेस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये जो नंबर ब्रेक का फॉर्मूला है ना वो अच्छे से कर पाओगे। ओके, कोई ऐसे स्पेलिंग है जिसका आप ब्रेकअप नंबर ऐसे नाम से ही कर पाओगे तो ईजी है, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 12 ही लिया है इसने, तो 12 नंबर में देखो आप कोई भी ऐसे नंबर नहीं आते कि 10 2, नहीं 12 है ये 12, तो 12 को कैसे करोगे, तो फॉर देट आपको 1s और 10s की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लास्ट में है यहाँ पे है, लास्ट में है उसको 1s बोलेंगे, वो अकेला ही है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो वो अकेला है, अकेला मीन्स 1s, और ये आगे है 1 मीन्स 10s, आगे की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10s। ओके, सो यहाँ पे हम 12 को कैसे बोलेंगे, तो 1 व्हाट अबाउट है, तो 10 प्लस 2, आगे है उसको 10s की प्लेस वैल्यू है, 1 की प्लेस वैल्यू है 10 और 2 की है 2, क्योंकि वो 1 से है तो वो अकेला ही है। ओके, नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है तो वो आपको खुद से ही करना है, पर यहाँ पे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आप जैसे ही बोलोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ब्रेकअप कैसे करना है, इसको ब्रेक कैसे करना है। सो नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड, आपको लिखना भी है और ये जोर से बोलना भी है। नंबर है
27. तो यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो सबसे पहले ये नंबर को भी आप कैसे रीड करोगे 20, सो यहाँ पे आप लिखोगे 20. सेकंड है एग्जांपल 31. तो 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है लास्ट में जो है 30 + 1. यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि ये नंबर जो है 31, अगर समझ लो आपके पास 31 रुपीज पूरे नहीं है, पर आपके पास 30 रुपीज की 10 की 3 नोट्स है, मतलब कि 30 और एक कॉइन आप इसमें लगा दोगे ना, तो ये 31 बन गए. ओके, तो ये दोनों चीज हम साथ में समझेंगे. फिर 54. ओके, क्या नंबर बना ये 54. तो 5050, एज यू नो ना, आपको नंबर तो पता ही है 50 को कैसे लिखते हैं, तो 5050 + 4 54. तो ऐसे ही एग्जांपल भी है आपके पास, तो आप उसको करोगे अपने आप से. नाउ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे, द फ्लूटमैन एंड द रेट्स, मतलब कि बांसुरी वाला एक मैन है, मतलब कि एक इंसान है, आदमी है, और ये जो रेट्स मतलब कि बहुत सारे चूहे हैं. होता क्या है, इन शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारे चूहे, चूहे से तो वैसे भी ऑफकोर्स डर ही लगता है सबको, तो एक गांव में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं. अब रोज आए दिन वो कुछ ना कुछ, मतलब चूहे कुछ ना कुछ कुतर जाते थे, तो आए दिन सबको परेशान करते थे, किसी के कपड़े खा जाते थे, किसी के फर्नीचर में तोड़फोड़ कर देते थे, तो सब बहुत परेशान हो गए. फिर सबने मिलकर क्या किया, एक दिन उस किंग के पास गए कि भाई ये चूहों का कुछ तो तुम करो, मैं इससे बहुत परेशान, हम सब इससे बहुत परेशान हो गए हैं. फिर एक दिन उसी गांव में एक बांसुरी वाला आया, फ्लूटमैन आया. ओके, फ्लूटमैन आया वहां पे, और उसको पता चला कि भाई राजा ने जो है ये शर्त रखी है कि जो भी ये चूहों को भगा देगा, आई वॉन्ट समवन टू कैच द रेट्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रेट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन. आपको एक मैं बास्केट दूंगा, उस बास्केट में जितने भी चूहे होंगे उतने चूहे के अकॉर्डिंग एक एक गोल्ड कॉइन में दूंगा. तो फिर ये जो है कंडीशन है, ये शर्त है, ये फ्लूटमैन को अच्छी लगी. फ्लूटमैन ने सारी जो है वो अपनी फ्लूट बजाई, बांसुरी बजाई, और वो बांसुरी की धुन पे, वो फ्लूट की धुन पे, उसकी रिदम पे ये सारे जो चूहे हैं उसके पीछे पीछे चले गए, और वो बास्केट के अंदर उसने डाल दिए, डब्बा जो है बास्केट का वो ढक्कन जो है बंद कर दिया. फिर वो राजा के पास जाके फ्लूटमैन ने बोला, बांसुरी वाले ने बोला, माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रेट्स, मैंने जो है 80 रेट्स जो है वो इस बास्केट के अंदर डाले हैं, तो आप मुझे जो है कॉइन्स दे दो उतने, क्योंकि आपने जैसे बोला था ना कि जितने चूहे होंगे उतने ही गोल्ड कॉइन्स होंगे. सो राजा ने जो है, किंग ने जो है उसको इतने कॉइन्स दिए. पर अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई कि इसने जब काउंटिंग स्टार्ट की, तो इज यू कैन सी एक ग्रुप बनाया, 10-10 का एक ग्रुप बनाया, कॉइन्स का 10-10 के ग्रुप का एक कॉइन्स का ग्रुप बनाया. सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. अब यहाँ पे फिर ये 70 तो हो गए, चलो कि 70 है. अब 70 के बाद ये जो लूज कॉइन रह गए, ये 10 पूरे नहीं हुए थे. ओके, इसने जब काउंट किया ना, तो ये 10 से कम है, मतलब कि ये 80 तो बने ही नहीं है. सो फिर इसने क्या किया कि उसको थोड़ा सा तो गुस्सा आया, पर अब वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि वो तो ठहरे बड़े से राजा है ना. तो उसने क्या किया, वापस से अपना जो है वो बास्केट में जो रेड चूहे रखे थे बहुत सारे, राजा के पास जाके बास्केट का डिब्बा जो है वो ढक्कन जो है वो खोल दिया, और फिर राजा को बोल दिया वापस कि ये रखो आपके चूहे, अब मुझे ये कॉइन्स नहीं चाहिए. ये स्टोरी से हमें क्या समझने मिला है, ये स्टोरी से हमें ये समझने मिला है कि फॉर एग्जांपल आप ये तो चलो एक चूहे और ये किंग की या फिर उनकी शर्त के बारे में बात थी, पर रिगार्डिंग कहीं एक दुकान में जाते हो आप, कोई मम्मा ने आपको कोई चीज़ लेने भेजी है, आपको मम्मा ने आपको कोई ज़्यादा पैसे दिए, पर दुकान वाले ने आपके साथ चालाकी करके ज़्यादा पैसे ले लिए, तो आप तो उल्लू बन जाओगे ना, मूर्ख बन जाओगे आप, और ऐसे करके आपके घर में ही नुकसान आएगा. तो फॉर देट आपको काउंटिंग आनी चाहिए, अगर आपको काउंटिंग नहीं आएगी तो आपको कोई भी जो है वो मूर्ख बना जाएगा, आपको कोई भी जो है वो ऐसे ही उल्लू बना जाएगा, और फिर सामने वाले का फायदा हो जाएगा और आपका नुकसान. तो इसके लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए. काउंटिंग सीखने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास आप आज मम्मी को भी बोलना, घर के पापा को भी बोलना है कि उनके पर्स में ऐसे नोट्स और कॉइन्स जो होंगे वो आपको शो करें. मैंने भी यहाँ पे आपको एग्जांपल से ऐसी नोट्स वगैरह जो है वो दिखाई, पर बेटर यही रहेगा कि आप मम्मी पापा को भी बोलना कि वो घर पे आपको लाइव ऐसी नोट्स दिखाए. ओके, सो अगेन ये 20, 50, 100, 500 और ये
2000 की नोट्स है, जिसको हम नोट्स और जिसको हम करेंसी में कन्वर्ट, करेंसी है जो हमारी इंडिया की, है ना, ये हम ऐसे यूज़ करते हैं कोई सामान लेन देन के लिए। और ऐसे ही ये कॉइन्स है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए, वो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कॉइन है। पर आप उसका जो है वो टोटल अमाउंट को कैसे देखोगे कि आपके पास कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नोट ली और ये दूसरी नोट ली, है तो दोनों नोट्स ही, पर ये 10 रुपीज़ की है और ये 5 रुपीज़ की है। तो आप इन दोनों का जो है एडिशन करोगे, प्लस करोगे, मतलब कि ये 10 और उसके बाद 5 और काउंट करो तो 11, 12, 13, 14 और 15। तो अब जाके मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि चलो स्टूडेंट्स बताओ मेरे मुझे कि ये कितने अमाउंट हो गए टोटल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि मेरे पास नोट्स कितने हैं, तो आप मुझे बताओ कि मैम आपके पास टोटल रुपीज़ जो है वो 15 रुपीज़ है। ओके, अब ये हो गए मेरे पास 15 रुपीज़। इसमें यहाँ पे और मैं 2 रुपीज़ ऐड करती हूँ, ठीक है, और मैंने चलो आपको 2 रुपीज़ दे दिए, तो आपको 15 के बाद और 2 रुपीज़ काउंट और 2 नंबर काउंट करने हैं, 15 के बाद 16, 17। तो अभी मेरे पास जो है कितने रुपीज़ हो गए, 17। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने और 1 रुपीज़ इसमें ऐड कर दिया, तो 17 तो हमारे पास थे ही, उसमें और ऐड किया तो हो गए 18। सो आप ये काउंटिंग का जो है वो कैसे करोगे, उसमें ऐड करते जाओगे। ओके, अगर इसमें से मैं निकाल रही हूँ सो फॉर दैट आपको माइनस करना पड़ेगा, वो तो आगे की एक्सरसाइज की बात है। पर कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसे ही मम्मी या पापा आपको नोट्स दे रहे हैं या कॉइन्स दे रहे हैं, तो आपको उसकी काउंटिंग जो है वो आनी चाहिए। ओके, और काउंटिंग करने की प्रैक्टिस भी करते रहना, ताकि कोई भी दुकान वाला है, कोई भी शॉप वाला है, आपको मूर्ख ना बना जाए और उसका फ़ायदा ना हो और आपका नुकसान भी ना हो। ओके, अगेन ये 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ होता ही है 500 और ये 2000 की है। सो आज के बाद आप ये जहाँ पे भी जाओ तो ये काउंटिंग ज़रूर से ध्यान रखना, और वो कॉइन्स जो है वो कितना है वो भी आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका काउंटिंग कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, और इसके रिलेटेड जो है एक्सरसाइज कैसे कैसी है क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।